अब मैं यहाँ बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में गोभी के पराठे, क्योंकि अब देव भी उठ गया है और सब जने ब्रेकफास्ट करने को तैयार हैं। तो पराठे तभी अच्छे लगते हैं कि जब सब लोग पास खड़े हों और गर्मा गर्म पराठे उतारते जाओ और खाते जाओ। असली मज़ा तो तभी है पराठों के ऊपर ऑयल डालने के लिए ना, मैंने ऐसी एक बोतल लेके बिस्लरी वाली खाली, उसे अच्छे तरीके साफ करके और उसके अगर हम यहाँ छेद कर देते हैं और फिर उसमें ऑयल डाल के पराठों पे लगाते हैं तो बहुत इजी रहता है। और मेरा तो अब इस बोतल के बगैर गुजारा ही नहीं है। और कुछ कुछ दिनों बाद फिर हम उसको चेंज कर लेते हैं, दूसरी बोतल ले लेते हैं और अगली वाली फेंक देते हैं जब वो थोड़ी सी पुरानी हो जाती है। तो इसीलिए ऐसी बॉटल्स में पराठों पे ऑयल डालना सबसे आसान रहता है। तो मैंने तो ऐसी बॉटल्स बना के रखी हुई हैं, और आप भी अगर ऐसा कुछ चाहते हैं पराठों पे इजी ऑयल लगाने के लिए तो ऐसा जुगाड़ कर लीजिए। और यहाँ ये मैंने बनाए हैं अपने लिए ऊन के शूज़, इसको वैलियाँ भी कह सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं। और ये मैंने डोरियों वाले बनाए हैं, कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे बहुत पसंद आया। तो ये मैंने अपने लिए तरह तरह के अलग अलग स्टाइल के शूज़ बनाए हैं, तो कैसे लगे। और पिछली बार जब मैंने बेबी शू कलेक्शन अपना दिखाया था तो उसको देखकर मेरे पास काफ़ी मैसेज आए और काफ़ी डिमांड हुई कि मैं उनको भी शूज़ वैसे बना के दूँ। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये वीडियो डालने पर मुझे ऐसे इतना ऑर्डर मिल जाएगा, और ऑर्डर इतने हैं कि मेरे लिए अकेले बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनको बनाकर फिर मुझे सर्वाइकल पेन भी हो जाती है। और ऊन का मुझे शौक है ही, तो अलग अलग कलर की ऊन लाके अब मैंने कुछ और अलग अलग चीज़ें बनानी स्टार्ट कर दी हैं। और ये है नेक्स्ट डे का शूट, कुछ क्लिप्स मैंने ऐड करी हैं क्योंकि एक ही दिन में इतना और शूट नहीं हो पाया था। और ये अब नेक्स्ट डे की मॉर्निंग से स्टार्ट है किचन में। मैं मॉर्निंग में अब ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होर सारे किदां चंगे, चलो खुश रहो ते मस्त रहो। और काफ़ी ठंड हो रही है, जगह जगह पे बर्फ भी गिर रही है, और उम्मीद है आप सभी अपने घर में सेफ होंगे, खुशहाल होंगे और बच्चों का खासकर ख्याल रख रहे होंगे। और इस टाइम मैं हूँ किचन में और ब्रेकफास्ट की कर रही हूँ तैयारी। और ब्रेकफास्ट में आज मैं बनाने वाली हूँ वेज पुलाव, तो बस उसी की थोड़ी सी तैयारी कर रही हूँ। और फिर दही जमा ली थी, जिसका मन है दही के साथ खाएगा, साथ में बनाऊंगी चाय, जिसका मन है चाय के साथ खा लेगा। और आजकल लगे हुए घर पर मिस्त्री, और ठंड की वजह से काम भी थोड़ा लेट ही हो रहा है, और घर सारा अब समेटना पड़ गया है, सामान इधर से उधर रखना पड़ गया है, तो एक बार थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो ही रही है। और अब मैंने प्लान बदल दिया है, पहले हमने सोचा था कि पूरा घर ही पेंट करा लेंगे, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि जैसे ठंड बढ़ती जा रही है और पेंटर भी छुट्टियाँ काफ़ी कर रहा है, तो बस थोड़ा सा टचिंग का ही काम करवा लिया जाए, बाकी एक बार काम मैं बंद करा दूँ, फिर गर्मियों में देखेंगे कि पूरा पेंट कराना है या नहीं कराना। और साथ साथ मशीन चला दी है, कपड़े धुल रहे हैं, इधर से ब्रेकफास्ट बनेगा उधर से कपड़े धुल जाएंगे, क्योंकि धूप का पता नहीं रहता कि आएगी या नहीं आएगी। सुबह सुबह बहुत कोहरा होता है और दोपहर तक धूप आ जाती है, इसीलिए फिर कपड़े तो हर किसी के बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं, तो बस सोचते हैं कि धुल जाएं, फिर सूख तो जैसे भी जाएंगे ही। सर्दियों में मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में पुलाव खाने का भी अपना अलग ही मजा है। वैसे तो मैं ज़्यादातर पराठे ही बनाती हूँ, लेकिन हफ्ते में दो बार तो लगभग पुलाव बना ही लेती हूँ, क्योंकि सभी को बहुत पसंद है ब्रेकफास्ट में पुलाव खाना। दही भी अच्छी खासी जम गई है,
जबकि सर्दी अब जितनी हो रही है उस हिसाब से दही जमानी बहुत मुश्किल हो जाती है, और वो भी गाय के दूध की, लेकिन दही सही जम गई है। तो रेडी है यहाँ गरम गरम पुलाव मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए। गरम गरम पुलाव यानी कि सारे घर में खुशबू और सबको उठाने की तैयारी, क्योंकि इसकी खुशबू ही इतनी ज़बरदस्त होती है कि सब फटाफट उठ जाते हैं। कहाँ हैं पापा? पापा कहाँ हैं पापा? पापा पापा पापा। और मिस्त्री आ गए हैं और उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया है, और सामान भी सारा मुझे शिफ्ट करना पड़ गया है अलग अलग जगहों पर, और काफ़ी टचिंग के लिए ये कोशिश तो कर रहे हैं, केमिकल तरह तरह के मंगा कर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं सक्सेस हो पा रहा है कहीं नहीं हो पा रहा। तो पेंट भी अब स्टाफ बढ़ाकर करना स्टार्ट कर दिया है और अलग अलग कमरों में सामान रखा है, तो बस ऐसे ही चल रहा है आजकल का काम। तो बस इसी के साथ आज मैं करती हूँ वीडियो का एंड, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।